So hi everyone, welcome back to this channel. So this is the first chapter of plus two first year students. Okay, the it is just status of contemporary Indian economy. The chapter, first chapter. The actually ये chapter रे सबु कही चीज़ जो Britishers जितने बड़े जाई चंदे इंडिया रो ता पौरा पर रो कौन सबु situation अच्छी इंडिया रो. तो सिथिपाई state of agricultural sector, state of industrial sector, state of foreign sector and why the agriculture was backward and why the industrial sector was backward, all those reasons and all those features we have to study. So let's start. Okay, the first which is the status of contemporary Indian economy. The first the state of agricultural sector ko kahichi je tara features kon achi au ta pare kahichi what are the causes ki kon reason thila je amar agriculture sector was backward, what are the reasons. So let's okay, state of agricultural sector. The first is the low level of agricultural production. See, agricultural production low level thila mane bahut kam production hotla. कौन पे आज पीपल हैव देयर लैंड लोकों पाखे लैंड थिला बट दे वुड नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट मच ऑफ आउटपुट माने लोकों पाखे लैंड थिला बट से मानको जाना नथिला जे कित्ते बहुत प्रोसेस यूज करके से माने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पारेबे. सो दे डिडंट नो अबाउट द मेथड्स ऑफ द प्रोडक्शन सेथिपई तंगर लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन आसुथिला एंड सेटा होचे फर्स्ट लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन तरो देच बी लाइक को ईयर रे केते तारा प्रोडक्शन थिला जे 1947 रे व्हीट 64 आसुथिला देन अगेन इंक्रीज हेच 939 को इन 2011 माने ईयर वाइज इंक्रीज करचे प्रोडक्शन इंक्रीज करचे किंतु आमे जदि देखिबा ब्रिटिश परे जो पीरियड आसीथिला सेते बेले कोन थिला एग्रीकल्चर सेक्टर तो सेते बेले लो लेवल रे प्रोडक्शन थिला इन 1947. ओके, सो नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑन नेचर. अबिका जो मैंने भी फार्मर्स मैंने अच्छे से मैंने एग्रीकल्चर करती बट दे डिपेंड अपन द मॉनसून दे डिपेंड अपन द नेचर फॉर रेनी सीजन. अबिका इरिगेशन फैसिलिटीज पाई सब जो चाष बास जमी रे करा जाए सेथरे इरिगेशन फैसिलिटीज पाई कौन करा जाए ना हमें यूज करू वाटर वाटर यूज करू तो सेथिपाई हमको होल लैंड को जते बेले जल जोगे देबा को पड़िबो सेते बेले हमको डिपेंड करिया को पड़े जे नेचर ऊपर जे केते बेले वर्षा हबो सेते बेले हमर सोइल को फर्टिलिटी मिलिबो देन हमें प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करिवो. तो सेथिपाई हमें डिपेंड करू मॉनसून ऊपर किंतु एबे वर्तमान कौन हो अबिका तमें रिलेट कर 1947 रे कौन होता एंड वर्तमान कौन हो तो से हमको डिपेंड हवाक पड़ता नेचर उपरे. सो नाउ देयर इज अ डिफरेंट सिनेरियो दैट वी डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर नाउ लाइक डिपेंड अपॉन द नेचर हमको वर्तमान डिपेंड करिया को पड़ोनी बट से टाइम रे करिया को पड़ला. सो डिपेंडेंस अपॉन द नेचर वाज वेरी हाई बहुत सारा फार्मर्स मैंने डिपेंड होते नेचर उपर. सो नेक्स्ट हूँ एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड लाइक 70% ऑफ द पॉपुलेशन दे डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड. लोक मेरे से किसी भी नाला रिसोर्सेस कौटी कम कले तो सर्वाइव करेंगे इनकम आस दैट इज व्हाई दे डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर जिते से फार्मिंग करेंगे जहां भी प्रोडक्शन हम से सेल्फ कंजम्पशन करेंगे बाकी रेस्ट ऑफ द जितक रहा से सेल करेंगे मार्केट रे. तो से डिपेंड होते कौते ना लाइवलीहुड ओनली दे आर डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर. सो नेक्स्ट इज वाइड गैप बिटवीन द टिलर एंड द ओनर जमती आम लैंड थाए लैंड ओनर जन था मिडलमैन जो टिलर था सेमाने ही बहुत एक्सप्लॉइट करती इंडियन फार्मर्स को करुले तो दैट्स द बिग रीजन दैट इज अ गैप बिटवीन द टिलर एंड द ओनर लैंड होल्डर जने आउ ओनर जने बुझेल. तो एमती जो गैप टा थिला सेटा बुक रे भी भलर एक्सप्लेन कर ओनर डिड नॉट टिल द लैंड देमसेल्व्स देयर वाज नो मशीनरी लाइक टुडे एट दैट टाइम सो अ लॉट ऑफ लेबर वाज नीडेड क्रॉप प्रोडक्शन ऑल्सो वॉज आज टू सूट द ब्रिटिश रूलर्स एग्रीकल्चर वॉज मच बैकवर्ड इन दिस रिगार्ड ऑल्सो. ओके माने ओनर जे थिला ता पाखरे एक्चुअल लैंड नथिला ओनर जे थिला ता पाखरे बहुत सारा लैंड रो थिला किंतु से जो गोटे गोटे लैंड को अलग जो लोग मिडलमैन जन हैंडल करथला ही वाज अ टेलर तो तांको भीतर गोटे कोऑर्डिनेशन नथिला दैट इज व्हाई प्रोडक्शन लेवल भी हे पर नथला और जहां भी होतला सेते बहुत एक्सप्लॉयटेशन चलथला. सो दैट्स द रीजन. सो नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर फॉर फूड ओनली एग्रीकल्चर करा जाउथला फॉर द फूड माने
लोक मैंने केमती सर्वाइव करेंगे खाद्य खाई केमती सर्वाइव करेंगे सो दे डोंट वांट टू मार्केटाइज मैंने चाहू नथले प्रोडक्शन को मार्केटाइज करने सेल करने फर बिजनेस पर्पज से करते दे आर सेल्फ कंजप्शन से एग्रीकल्चर करते सो नेक्स्ट इज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स वाज वेरी स्मॉल से ब्रिटिश लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आसला जे सब फार्मर्स मानक लैंड दिगला डिस्ट्रीब्यूट कर बट कौट ना कौटी ये जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे किसी लैक थिला से जो मैंने फार्मर्स अच्छा मिल पार ना जितकी भी मिलला जे साइज ऑफ लैंड होल्डिंग वाज वेरी स्मॉल जदि 50 जन फार्मर्स अच्छा से बहुत स्मॉल लैंड मिलता अकॉर्डिंग टू द लैंड सेटलमेंट सिस्टम ओके दिस ऑल आर द फीचर्स यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द बुक वन्स बुक रे थरे जहां लिखाई पढ़े भी जदि दबा देन यू विल बी वेरी क्लियर सो दिस ऑल आर द रीजन यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर द पॉइंट्स एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर एग्जाम शीट ओके सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द रीजन व्हाई द एग्रीकल्चर इज सो बैकवर्ड एग्रीकल्चर बैकवर्ड हबार कौन रीजन थिला तो फर्स्ट रीजन होची जे फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन मीन्स कि जितने ब्रिटिशर्स मैंने थे से चाहूंगे जे जो मैंने फार्मर्स इंडियन फार्मर्स मैंने अच्छा से कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करंतु रादर दे डिंट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ क्रॉप्स तो मेन आमर जितने इंडियन फार्मर्स से डिपेंड करते जे क्रॉप्स उपरे जे क्रॉप्स आसिले आम खाद्य खाई एंड वी कैन सर्वाइव एंड वी कैन ऑल्सो सेल इट किंतु ब्रिटिशर्स मैंने चाहिए जी कैश क्रॉप्स प्रोडक्शन करा हो जाओ जहां द्वारा से कैश क्रॉप्स रो फाइनल प्रोडक्ट्स को तैयारी करी ना अगेन मार्केट रे सेल करेंगे एंड दे विल गेट प्रॉफिट सो दिस वाज द बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ ब्रिटिशर्स सो से कौन कले ना कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट करदे आगुरु कौन होता लोक मैंने कंजप्शन करते एग्रीकल्चर करके किंतु जितने कैश क्रॉप्स प्रोडक्शन आसला से मेन जो क्रॉप्स प्रोडक्शन हवाटा से लेस हबार लगेगा तो कैश क्रॉप्स बढ़िया लगेगा किंतु नेचुरल क्रॉप्स जोड़ा कमेबारे लगेगा सो दैट्स द रीजन एंड नेक्स्ट इज पार्टीशन ऑफ द कंट्री रे इंडिया पाकिस्तान जितने डिवाइड हो गला से मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड दैट गो टू द पाकिस्तान जिते वेस्ट पंजाब रहा सिंध जगह रहा सेगुरा जो बहुत फर्टाइल जगह था से कॉटन प्रोड्यूस करते जूट प्रोड्यूस करते सब जगह गुडा जिते पार्टीशन है से गुरा पाकिस्तान को पड़ेगा सो एटा भी गोटे बैकवर्ड जदि से पार्ट गुडा आम कंट्री था वी कैन प्रोड्यूस ऑल दोज गुड्स इन अ गुड क्वांटिटी सो से सब जगह गुडा पाकिस्तान को पड़ेगा सो दिस वाज ऑल्सो द बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग अभी आम लोग तो फार्मिंग करते बहुत सारा लोग फार्मिंग करते बट दे डोंट नो अबाउट द टेक्नोलॉजी दे डोंट नो अबाउट द यू नो ऑल अबाउट द फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स ओके सो दैट्स द रीजन द मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल पीपल आर बैकवर्ड एंड द प्रोडक्टिविटी वेर लेस सो एटा जो कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड से मानने बहुत ट्रेडिशनल मेथड रे होता जमीक मोटर पंप यूज करा जाए अबिका जमी ट्राक्टर यूज हो ना तो ये सब जिन ना से मानने बहुत बहुत टाइम कंज्यूम कर एंड लोक मानक से आईडिया ना जो मेसीन को यूज करके भी हमें बहुत सारा प्रोडक्शन इनक्रीज कर सो दे डिंट नो अबाउट ऑल दोज मेथड्स एंड ऑल दोज टेक्निक्स दैट इज व्हाई द प्रोडक्शन वर वेरी लो ओके सो नेक्स्ट इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम जिते बड़े आसला से जो सिस्टम रे कौन हितला ना जे सब जो लैंड गुड़ाक जमीदार मान हाथ में थिला तो से जमीदार मान हाथ नहीं पूरा फार्मर्स जो इंडिविजुअल मान रहिले से पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दबा किंतु सेटलमेंट सिस्टम रे किछ ना किछ ड्रॉबैक्स थिला किछ ना किछ लैक्स थिला तो सेथि पई आसी पार्लानी एक्जाक्ट जो जिन हवा कथा से जिनस जहाद्वारा लैंड साइज भी लोक कम आसला के जगह लोक लैंड भी मिललानी अगेन ब्रिटिशर्स गला बहुत सारा रीजन स्टार्ट हवाक लगेगा अबिका जी फार्मर्स अच्छा जदि पाखे लैंड ना निजर लैंड ना कि अग कह लैंड जाम कर प्रोडक्शन केमती बढ़ी तो एक्सप्लोइटेशन स्टार्ट राइट तो से जिनसा हम बढ़िवे लगेगा एंड दिस वाज ऑल्सो द रीजन दैट इज व्हाई द एग्रीकल्चर वाज backward so next I will talk about the industrial sector and what are the causes industrial sector was backward see you in the next video
Okay, so state of industrial sector in contemporary Indian economy, what are the status? So state of industrial sector right now, which features the decline of the handicraft industry. जे इंडस्ट्रियल सेक्टर जोटा इंडिया रो थिला जेंते कि हैंडीक्राफ्ट जेंते हस्तंत्र सब बुणा बुणी जिनस होई गला बणा होतिबा जिनस से गुडा निकिना मार्केट चली थिला सेतले इंडस्ट्री चली थिला एई सब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज मनकु नेके किंतु जेते बेले ब्रिटिशर्स माने आसले सेते बेले सेमाने तंकरो मशीनरी गुड्स गुडा को आनिकिना मार्केट रे सेल करले जहा द्वारा सब इंडियंस माने सेई सब जिनस को बेसी पसंद करले रादर दे डोंट लाइक द इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स तो मेनली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डाउन हबर मेन रीजन होचे जो ब्रिटिशर्स माने इम्पोज कले जे फाइनल प्रोडक्ट्स तांको कंट्री रे जो अबिका इंडिया रा रॉ मटेरियल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट पाखो को जाउथला माने ब्रिटेन को जाउथला सेठी से रॉ मटेरियल्स रो फाइनल गुड्स को अगेन सेल माने तयारी करके आनकी इंडियन मार्केट रे टिके हाई प्राइस रे सेल करा जाउथला तो इतिरे सब प्रॉफिट थिला ब्रिटिशर्स माननकर तो सेति पई से माने चाहुथले जे इंडिया रो इंडस्ट्री गुडा को बंद कर दवा पई जेमती कॉटेज इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ए सब को बंद कर दवा पई जहा द्वारा से माने तांको मार्केट को तांकर फाइनल गुड्स वाला जिंस को से माने प्रॉफिटेबल करि परबे से माने से जिंस को सब मार्केट रे सेल करि परबे सो दैट्स द रीजन दैट इज व्हाई द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री गेट डिक्लाइंड ओके सो नेक्स्ट इज लोपसाइडेड मॉडर्न इंडस्ट्री स्ट्रक्चर माने सेते बेले ट्रेडिशनल मेथड को छाड़ी दोतले लोक माने मॉडर्न को सब यूज करतले माने मॉडर्न रो जहां सब प्रोडक्ट गुड्स हैला जहां सब नुआ नुआ क्वालिटी वाला गुड्स हैला जे ब्रिटेन ब्रिटिश रे माने ब्रिटेन गवर्नमेंट रो कोन हेतला सेते बेले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आसला शिल्प विप्लव आसला सो वी ऑल नो अबाउट दैट तो सेति पई जेतु सेति फर्स्ट आसला तो सेमानको पाखरे फर्स्ट टेक्नोलॉजी आसी गला बट सेमाने रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड होतले इंडिया उपरे तो जेतुले सेमाने सब रॉ मटेरियल्स नोतले तांको कंट्री को सेति सेमाने फाइनल प्रोडक्ट्स को तयारी करके अगेन आने की ब्रिटिश मार्केट रे भी सेल करथले इंडियन मार्केट रे भी सेल करथले सो एथि सेति पई को हेजे लोप साइडेड मॉडर्न जेटा को हाई छि मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर तो लोक मानको पाखरे सेतिकी मॉडर्न इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी नथिला जेतिकी ब्रिटिशर्स मानको पाखरे थिला सो दैट्स द रीजन इंडिया रा पॉपुलेशन जेतिकी सेतिकी समानको पाखरे गुड्स नथिला एंड एट दैट सेम टाइम ब्रिटिशर्स माने से माने सेही सब जो रॉ मटेरियल्स को नेकी फाइनल गुड्स को प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके अगेन आने के इंडियन मार्केट रे सेल करतले तो सेति पई सेते बेले से जो मॉडर्नाइजेशन जते बेले चालथिला माने टेक्नोलॉजी रो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजिकल गुड्स ऑफ प्रोडक्शन सेटा बेसी होतिला ब्रिटेन रे नॉट इन इंडिया सेति पई इंडियन इंडस्ट्री आल्सो गेट डाउन ओके सो नेक्स्ट इज लो जीडीपी अबिका जदि प्रोडक्शन न होबा अबिका मेन करेंटली कोन होचु ना जीडीपी जोटा सेटा आस्ट्री मोस्टली फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर किंतु एंड सर्विस सेक्टर किंतु एठे कोन सेते बेले कोन होतला माने ब्रिटिशर्स मनक परे परे जे से माने डिपेंड होतले इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करिया पई एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर जते प्रोडक्शन हबो सेते कंट्री रो जीडीपी बढ़िबो जते एक्सपोर्ट हबो सेते कंट्री रो जीडीपी बढ़िबो किंतु जेहेतु प्रोडक्शन हो नथिला इंडस्ट्रियल गुड्स रो सेते प्रोडक्शन नथिला सेति पई कंट्री रो जीडीपी भी लो थिला सेते बेले so this is the also features that the low gdp of industrial structure so next is capital good industries were lacking capital goods industry main jogra machineries he gala technology he gala e sab upre investment kariya ko pade seti ki tonka seti ki artha lagiya ko pade bujhi hochi to sei jo jinso jo uta seti ki indians manako pakhare nathila भारतीय लोकों पाखरे सेतिक मेन मनी नथिला जहा जहा थिला कि ब्रिटेन ब्रिटिशर्स मानको पाखरे तो सेति पई से माने इन्वेस्टमेंट करथले तांको कैपिटल्स मानको ऊपर नुआ नुआ टेक्नोलॉजी इन्वेंट करथले सेथरे सब गुड्स गुडा को बनाउथले एंड आने किना अलगा सब यूरोपियन मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स रे सेल करथले सो सेति पई एथि जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज जोटा थिला सेटा इंडिया रे बहुत कमी जाइथिला अबिका लोक माने सेतिक एजुकेटेड नहांदे समान पाखरे मनी नाही समाने जाने नहांदे व्हाट अ टेक्नोलॉजी मीन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी तो सेति पई समाने काही के इंडस्ट्री माने काही के समाने कैपिटल गुड्स रे इन्वेस्टमेंट करबे काही के समाने गोटे मशीन आनिबे जोटी इंडिया इज अ कहा जाए जे लेबर इंटेंसिव कंट्री माने बहुत सारा लेबरर्स माने अछन जोटी बहुत सारा लेबरर्स माने अछन काम करिया पई व्हाट इज देयर टू डिपेंड अपॉन द मशीन तो सेति पई सेते बेले कैपिटल गुड्स रे ते इन्वेस्टमेंट करा जाउ नथिला सेति पई द जीडीपी वाज लो एंड द प्रोडक्शन वाज आल्सो लो सो लेट्स सी द व्हाट आर द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर
सो द फर्स्ट बैकवर्डनेस होची जे लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर माने सेते बळे कोण होतला जे प्राइवेट जिनसो गुडा को बेसी प्राइवेट सेते बळे एते नथिला किंतु पब्लिक सेक्टर भी जतिल सेते बळे ब्रिटिशर्स माने थिले एंड इंडियंस माने थिले देयर वाज नथिंग लाइक प्राइवेट एंड गवर्नमेंट तो एठी कोण हला ना सेते बळे पब्लिक सेक्टर जो सब जेंती रेलवेज हे गला ट्रांसपोर्टेशन हे गला कम्युनिकेशन हे गला पोर्ट्स हे गला ए सब जिनसो ऊपर एते वैल्यूज दिया जाउ नथला एते ताको डेवलप करा जाउ नथला ब्रिटिशर्स वाज केम फॉर द ओनली पर्पस टू मेक मनी टू गेट प्रॉफिटेबल फॉर देयर कंट्री फॉर देम सेल्स तो से इंडिया रो डेवलपमेंट विषय तो जमा भी चिंता भी कर नथले सो आमर जो पब्लिक सेक्टर गुडा रहा मानते जो गुडा इनडायरेक्टली लोक मान हेल्प कर सब जिन गुडाक पचर रही जाता जमीक रेलवे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ए सब पब्लिक सेक्टर जिन गुडाक बहुत लैक कर पचक रही जाता देन अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न लाइफस्टाइल तो आमर जो लोक मैंने इंडियंस मैंने धीरे धीरे वेस्टर्न आड़क वेस्टर्न प्रोडक्ट्स आड़क मूव हवाक लगे मानते वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को बेस अडॉप्ट कले लाइक कौन ना प्रोडक्ट जहां भी आसला से गुडा क्वालिटी रे भल था लेस प्राइस था तो से बेस प्रिफर कले दोज गुड्स इन कंपेरिजन टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स ओके तो से मेन बेसिकली एटा रिजन था सब इंडियंस मैंने फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट करथले फॉरेन रो जिंस ऊपर डिपेंड करथले अमर तो नॉर्मल थाई जे धोती कुर्ता किंतु सेते बळे जो सूट बूट आसला ए सब जो जहां भी सब जिंस आसला से सब आसला कोठने मॉडर्न मॉडर्न ये रो माने वेस्टर्न लाइफस्टाइल रो तो अबिके जदि आम लोक वेस्टर्न लाइफस्टाइल को बेसी अडॉप्ट करिवे ताहले प्रॉब्लम कोन हबो ना अमर जहां सब इंडस्ट्री अच्छे सेगुड सब धीरे धीरे डाउन हो लोक इंटरेस्ट आउ रही निज ओन प्रोडक्ट्स उपरे तो से डिपेंड कले वेस्टर्न प्रोडक्ट्स उपरे ओके जो लोक डिमांड कमी जाए से लोक सप्लाई भी कमी जाए बुझीगला सिंपल पचास टा लोक डिमांड कर गोटे जिनस पचास टा लोक से गोटे जिनस को डिमांड करें जिन सप्लाई भी हबनी दैट इज व्हाई द इंडस्ट्री गेट शट इंडस्ट्री बंद हो गला देन कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश प्रोडक्ट्स तो सेतेबेले ब्रिटिश प्रोडक्ट्स मानकर भी कंपटीशन बढ़िया लगेला तो जेहेतु से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरा डाउन कर देथिले लेफ्ट आउट कर देथिले तो बाकी रहला ब्रिटिश प्रोडक्ट्स से मानको भितरे कंपटीशन लगेला जे केते ब्रिटिशर्स मानको गुड्स को आमे सेल कर परियो ब्रिटिशर्स माने चाहिले जे इंडियन मार्केट रे अमर जो कैपिटल माने अमर जो फिनिश्ड गुड्स फाइनल गुड्स जो प्रोडक्शन होची आमे तको सेल कर परिबा इंडियन मार्केट रे तांको भितरे गोटे कंपटीशन स्टार्ट हेला ओके जहा द्वारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरा बंद ही हो गला इंडियंस मानक पाखरे गोटे ही पावर थिला जे से माने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डेवलप करि परिबे बट ब्रिटिशर्स माने जेहेतु थिले से माने इंटरफियर करले दैट इज व्हाई द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज टोटली शट ओके सो नेक्स्ट इज प्रिंसले स्टेट पावर डिक्लाइन प्रिंसले माने जो माने जो राजांकर स्टेट रहला राजकुमार मानकर जो सेतेबेले जो थिला ना राज माने राज करथले तो तांकर सेतेबेले जेतु ब्रिटिशर्स माने आसीले से माने कंट्रोल हबा स्टार्ट करले कहा द्वारा ना ब्रिटिशर्स मानक द्वारा अबिके मो घर को जणे गेस्ट आछथि किंतु से गेस्ट मोरी ऊपर ही माने मते डोमिनेट करिक रखुछन मते कंट्रोल करजन तू एया करबु तू सेया करबु इट्स लाइक दैट